एमजीबी डिजिटल इंडिया। शिवसेना सिंबल मामले में चुनाव आयोग ने शुरू की सुनवाई। ईसीआई के अंडर मौजूद दोनों पक्षों के वकील। पीएम मोदी ने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का सीएम बनने की बधाई दी। गुजराती में ट्वीट किया। गुजरात में भीकू परमार और कुंवरजी बावालिया ने मंत्री पद की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। पीएम मोदी की मौजूदगी में ली शपथ। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस को मिली बोरे में बंद लाश। युवक की हत्या से फैली सनसनी। भारत और श्रीलंका के बीच चेन्नई से जाफना की हवाई सेवा फिर से शुरू। स्वाति मालीवाला ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। बोली, सब इंस्पेक्टर से मारपीट करता है पति। सबरीमाला में दर्शन का समय 1 घंटे बढ़ा। एक दिन में 90,000 श्रद्धालुओं की ही मिलेगी अनुमति। यूपी में जीएसटी की छापेमारी पर अगले 72 घंटे तक सरकार ने लगाई रोक। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ से निपटने के लिए हर गेट पर तैनात होंगे विशेष अधिकारी। बॉम्बे एससी ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए की वसूली के केस में जमानत दी। बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ जिले के हरामी नाला इलाके से 3 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा। डिंपल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। अखिलेश के साथ पहुंची थी संसद भवन। लखनऊ में ठंड की वजह से आग जलाकर सो रही छात्रा की दम घुटने से मौत। महाराष्ट्र में चलती कैब में महिला से छेड़छाड़ करने वाला ड्राइवर अरेस्ट। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। अंकिता मर्डर केस में नार्को टेस्ट की मांग वाली याचिका पर आज उत्तराखंड की कोर्ट में सुनवाई। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों से 1 प्रदर्शनकारी की मौत। इटली के रोम में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों की मौत, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर स्टूडेंट टीचर से भरी बस पलटी, 2 लोगों की मौत। बुधवार को संसद भवन में होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक।